असलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक थ्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है उस पर बात करेंगे आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल्स में हमने शूम पिटर के कंट्रीब्यूशन की बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जिसके ऊपर बेस करके रिचर्ड स्वर्टबर्ग ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को थ्योराइज करने की बात की थी आज हम उसी मॉड्यूल को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे और डेमांसट्रेट करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि इकनॉमिक्स ने किस तरह से सोशल एंट्रप्रनोरशिप को थ्योराइज किया है शोम का जो मॉडल है आपको याद होगा हमने बात की कि उसके मुताबिक इनोवेशन या चीजों को डिफरेंटली करके एंटरप्रन्योरशिप जो है उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसको मेन थीसिस को लोगों ने मेन थीसिस तक ही महदूद रहने दिया और उसको सिर्फ इनोवेशन और बाजुकात महज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तक महदूद कर दिया जबकि शोपिटर का जो मॉडल था वो उससे कुछ ज्यादा था उसके फाइव की एलिमेंट्स थे इंक्लूडिंग इनोवेशन बाकी के चार एलिमेंट्स जो हैं वो हैं मोटिवेशन रेजिस्टेंस, प्रॉफिट और लिंकिंग टू बिजनेस साइकिल इस सेशन में हम इन पांचों कंपोनेंट्स को स्वीडबुक के मुताबिक सोशल एंटरप्रन्यशिप से रिलेट करेंगे स्वेटबुल के मुताबिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इकोनॉमिक थेरी जो है उसका मेन थीसिस कुछ यूं है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज द पुशिंग थ्रू और द सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल चेंज थ्रू अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक डूइंग थिंग्स इस मॉडल के मुताबिक पांच कंपोनेंट्स जो शोम पीटर ने आइडेंटिफाई किए थे हम उनको वन बाय वन इन टर्म्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर देख लेते हैं सबसे पहले मोटिवेशन जैसे एंटरप्रेन्योर जो है उसका कोई मोटिवेशन होता है जो कि यूजुअली प्रॉफिट होता है इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर का एक मोटिवेशन होता है जो कि उसका मिशन या उसका जो एम है सोशल चेंज लाने के हवाले से वो उसका मोटिवेशन है दूसरे नंबर पर इनोवेशन आ जाती है जैसे एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी या किसी और स्त्रिय से इनोवेट करता है इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो भी इनोवेट करता है सोशल एंटरप्रेन्योर की जो इनोवेशंस हैं उसमें न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हो सकते हैं बाय डूइंग न्यू थिंग्स वे मीन के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज को करने के नए तरीके कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम को हल करने का नया मटेरियल, कोई नए रिसोर्सेज फाइनेंस को हासिल करने और ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करने के नए तरीके सोशल एंटरप्राइज का जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का कोई नया तरीका या फिर सोशल चेंज का जो पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट उनमें से कोई नया पर्सपेक्टिव ये सब चीज़ें सोशल एंटरप्रनोर के इनोवेशन में आ जाती हैं तीसरे नंबर पर प्रॉफिट आता है एंटरप्रेन्योर जो है वो शोम के मुताबिक इन टर्म्स ऑफ मनी प्रॉफिट कमाता है सोशल एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है वो वैल्यू एडिशन है वो वो सोशल इम्पेक्ट है जो वो लाखों लोगों की जिंदगियों में लाता है वो सोशल चेंज है जिसकी वजह से दुनिया हमेशा के लिए एक बेहतर दुनिया के तौर पर बदल जाती है प्रॉफिट के बाद जो रेजिस्टेंस है हम उस पर बात कर लेते हैं एज अ की एलिमेंट सोशल एंटरप्रन्योरशिप में एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की नस्बत कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से हो सकती है हमें प्रॉब्लम्स के साथ रहने की आदत हो जाती है हमें नहीं लगता कि इनको कभी हल किया जा सकता है और हम उसके नए तरीके जो हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के या रहने के उनको रेजिस्ट करते हैं रेजिस्टेंस जो है वो हमारे बिलीव्स, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज़ इवन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हो सकती है कि कभी किसी ख़ास सिचुएशन में कोई कानून इस तरह बन गया और हम उसके आदी हो गए कि अब अगर सिचुएशन बदल गई है और वो कानून जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कुछ लोगों के लिए या माशरे के लिए तो उसको बदलना की ज़रूरत है लेकिन लोग जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर का रोल ये होता है कि वो उन रूल्स को उन रेगुलेशंस को उन वैल्यूज़ और नॉर्म्स को टारगेट करे उनको बदलने की कोशिश करे ताकि रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा सके सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि जो अपने एंटरप्राइज के ज़रिए से वो चेंज ला रहा है उसको ब्रॉडर सोसाइटल चेंज के साथ लिंक करे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे ताकि जो एक माशरे का स्ट्रक्चर है वो हमेशा के लिए बदल जाए उसका जो एंटरप्राइज है उसके ख़त्म होने से या उसके बदलने से चेंज प्रोसेस जो है वो रुक ना जाए या रिवर्स ना हो जाए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से आने वाली सोशल चेंज उसी वक्त सस्टेनेबल होगी जब वो ब्रॉडर सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज़ और जो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हिस्सा बन जाएगी इस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकनॉमिक थेरी से एंटरप्रन्योरशिप का एक नया मॉडल जो है वो थ्योराइज करती है थैंक यू